बच्चों को यदि आपने किसी दूसरे के प्रति अमंगल की भावना बच्चों के अंदर डाली, दूसरे से द्वेष करना आपने सिखाया, दूसरे को बुरा बोलना आपने सिखाया, दूसरे को गाली देना आपने सिखाया, वही बच्चे बड़े हो करके आपसे भी द्वेष करेंगे, आपको भी बुरा बोलेंगे और आपको भी गाली देंगे, आप बच नहीं सकते हो। शास्त्र कहते हैं किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान किया, आप क्या करोगे? उसको कोसोगे? अगर आप उसको कोसोगे, उसका तो होगा नहीं होगा पता नहीं बाद में, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति, आपका अंतरात्मा, आपका अंतस्थ वो खराब हो जाएगा, आप अंदर से विकृत हो जाओगे। तो उससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है, ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने हमारा नुकसान नहीं किया है, उस व्यक्ति ने हमारा अपमान नहीं किया है, बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से हमारे पापों ने, हमने पूर्व में जो पाप किए हैं, उन पापों ने हमारा नुकसान किया है, उन पापों ने हमारा अपमान किया है। अगर हम स्वयं ही उस अपमान का, उस नुकसान का कारण अपने आप को मानने लग जाएंगे, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष होगा, हम उसको अपना शत्रु मानेंगे? नहीं मानेंगे। मां मंगलम, आप यहां पर शब्दों पर ध्यान देना, मां मंगलम तात परेशुमस्था भुंक्तो जनो यत पर दुखदस्तत। अरे बेटा तेरी मां बुरी नहीं है। जब हम किसी के प्रति बैर करने लग जाते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जब किसी को प्रेम करने लग जाते हैं तो उसकी बुराइयों को भूल जाते हैं। बेटा तेरी मां ने कुछ चीजें बहुत अच्छी कही है, और हम तो साधु हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का भक्त अच्छा अच्छा सुनता है, बुरा छोड़ देता है। रहीम ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थूथा दे उड़ाए। छाज होती है ना सूप, अच्छे अच्छे को ले लेती है और बुरे को छोड़ देती है। हमें भी प्रत्येक व्यक्ति से क्या लेना चाहिए? अच्छा लेना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कोई अच्छा ही नहीं है, और उसी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कोई बुराई नहीं है। अब हमें क्या लेना है? आप लोग सो तो नहीं गए? सो गए हो तो जग जाओ। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदमी में अच्छाई भी है बुराई भी है, हमें क्या लेना चाहिए? अच्छाई। तेरी बुराई तू रख, हम तो तेरी अच्छाई रखेंगे। बाबा तुलसी ने लिखा था, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण पहें गया परिहरी वार विकार। जिस तरह से पानी और दूध मिला हुआ हो तो हंस जो है वो दूध दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से आपके इर्द गिर्द यदि कोई बुरे लोग हों तो उन बुरे लोगों में भी अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को लेने का प्रयास करना और बुराई उनके पास ही रहने देना, आपका जीवन दिव्य बनेगा और आप बड़े आराम से अपनी ये जीवन यात्रा पूरी कर पाओगे। बेटा तेरी माँ ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको तो ग्रहण करना। कौन सी बात कही है तेरी माँ ने? तेरी माँ ने कहा ना जाके तपस्या कर, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। अब उसने कहा कि भगवान से वरदान मांगना कि उसका पुत्र बनकर के आना, वो बात अच्छी नहीं कही है, छोड़ो ना। लेकिन ये बात तो उसने अच्छी कही है ना कि भगवान के, मैं भी तो बचपन से तुझे यही कह रही हूँ कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी माँ ने भी तो यही कहा, तपसाराध्य पुरुषम, उसने भी कहा कि उस परम पुरुष का आराधन करो। यही मैं भी कहती हूं। तो पहली बात पकड़ो, दूसरी बात मत पकड़ो तुम। उसने मुझे अभागी कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभागी नहीं तो और क्या हूं? मैं महाराज की पहली पत्नी हूं, और महाराज अपनी पत्नी तो छोड़ो, मुझे दासी भी मानने के लिए स्वीकार, मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं अभागी हूं कि नहीं हूं? तो उसने यदि सच को सच कह दिया
बुरे जो मेरा मेरा सब, जो मुझे मिला है उसका उसने बखान कर दिया, मैं अभागी हूं, तो सच को सच का क्या दिक्कत है इसमें बेटा। आराध्या धोक्षत पाद पद्मम यदिच्छसि ध्यासनम उत्तमो यथा। बेटा मैं तो कहती हूं कि तुझे यदि सर्वश्रेष्ठ पद चाहिए, अपने पिता के जैसा तुम्हें पद चाहिए, तो जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। और ध्रुव जी महाराज यहीं से भगवान की तरफ चल पड़े हैं, आराधन की तरफ चल पड़े हैं।